भारत में अब तक 154,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया में अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है। कुल मौत के मामले में अब मैक्सिको भारत से आगे निकल गया है। पिछले 24 घंटों में भारत में 13,083 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं और 137 लोगों की जान चली गई है। बीते दिन 14,808 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश भर में अब तक 35 लाख से ज्यादा अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के 14वें दिन शुक्रवार तक 62,939 सत्रों में कुल 35,27,000 लोगों को टीका लगाया गया। कल 5,71,974 लोगों का टीकाकरण किया गया। अब तक जिन लाभार्थियों को टीका लगाया गया है उनमें आंध्र प्रदेश से 1,77,856, बिहार से 1,10,381, केरल से 1,35,832, कर्नाटक से 3,07,752, जी हाँ दोस्तों मध्य प्रदेश से 2,22,193, वहीं महाराष्ट्र से 2,57,173, तमिलनाडु से 97,126, दिल्ली से 48,008 और गुजरात से 2,16,004, उत्तर प्रदेश से 4,31,879 और पश्चिम बंगाल से 2,20,356 लोग हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।